हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एतिमन। एक नया विज्ञापन जारी हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल शिक्षक भर्ती का, जहां टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इसके अलावा भी कई पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सभी जो हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। आपकी आपके सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, एग्जाम नहीं होगा। सैलरी यहाँ पर 70,000 तक जो है मिलने वाली है। ऑल स्टेट अलाउ रहेंगी। आप जिस भी राज्य से आप संबंधित हैं तो वहाँ तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो है मेन वेबसाइट है, सरला बिरला पब्लिक स्कूल, सरला बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पर वैकेंसी आपको कहाँ नजर आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर करियर सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप लोगों के सामने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भी नजर आएगा। किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलने वाली हैं। तो ये देखिए पेज ओपन हो गया है, सरला बिरला पब्लिक स्कूल बिरला नॉलेज सिटी रांची पुरुलिया, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर कैसे जो है अप्लाई करना है लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही आप लोगों को दिखाई देगा, ऑनलाइन ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर तो सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, हेड मिनिस्ट्रेस की है, पीजीटी में है, टीजीटी, पीआरटी, ट्रेनी टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर और इसके बाद जो है एआई एंड रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव। अब जो है जैसे कि आपने पीजीटी में आप अपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी पर आप लोगों को क्लिक करना है और उसमें जो है आप लोग अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट टीचिंग या सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पर बायोलॉजी लिखा आ रहा है, आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं पीजीटी में, जिसकी भी वैकेंसी है, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ईपी, इंग्लिश, फिजिक्स, अकाउंट, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, फाइन आर्ट और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, डांस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फैशन स्टडीज, लीगल स्टडीज। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है पीजीटी की पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग टीजीटी पोस्ट के लिए उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, आपका कौन सा सब्जेक्ट है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस, म्यूजिक, डांस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो है आपके टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को पीआरटी भी दिखा देती हूँ। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो पीआरटी पे क्लिक करना है और पीआरटी में ये सभी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी पोस्ट हैं तो आप लोग जो है देख लें, आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन ही आप लोगों को फिल करना होगा, एग्जाम नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को और उसके बाद जो है आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल या ईमेल आएगा। नेक्स्ट जो है आप लोग जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर लेंगे, अपना नाम, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये बिल्कुल सही सही डालेंगे क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को कॉल आएगा मोबाइल से या फिर ईमेल आएगा। नेक्स्ट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप लोग भर लेंगे, जैसे कि पीआरटी के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, ट्वेल्थ, आप जो है टेंथ ट्वेल्थ को फिल करेंगे और साथ में जो है ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने बीएड किया है तो उसे भी आप फिल कर सकते हैं। टीजीटी के लिए कंपलसरी है कि बीएड तक जो है आप लोगों ने कंप्लीट की हो पढ़ाई। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है यहाँ पर पीजी मांगा जाता है, ठीक है, और साथ में अगर आपने बीएड किया है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे एमएड आपने किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है आपने सब्जेक्ट में, तो वह भी आप लोग यहाँ पर फिल करें।
तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ मिलेगी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में। सिलेक्ट आपने किया यहाँ पर जैसे पीआरटी के लिए, तो एनटीटी पर आप लोगों को क्लिक करना है। और अगर आपने सीटेट भी कंप्लीट किया है, अगर आप पीआरटी के लिए करना चाहते हैं या टीजीटी के लिए करना चाहते हैं, तो आप सीटेट पर क्लिक करेंगे, या फिर आपने और कोई अगर क्वालिफिकेशन गेन की है तो आप एनी अदर पर क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल भरनी होगी, किस स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया है, ठीक है, और कब से कब तक पढ़ाया है ये आपको लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोग पढ़ा रहे थे, किस क्लास को, सैलरी आपको क्या मिल रही थी, आपने क्यों छोड़ा, ये चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आपने आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को यहाँ लिखना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर चाहिए, क्योंकि सभी कॉलम जो है वो यहाँ पर फिल होने चाहिए, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। तो यानी एक साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आप लिख दें। किसी भी जो है प्राइवेट संस्था में आपने किसी पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाया है, तो अगर एक साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ जो है आप लोगों को यहाँ प्रोफेशनल आइडियोलॉजी 500 से 500 से 1000 वर्ड आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आप जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, और जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसका साइज। उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मार्कशीट हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को चूज फाइल पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लोगों को अटैच करनी होगी। देन आप लास्ट में जो है सबमिट पर जो है क्लिक कर देंगे, तो ऐसे जो है आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी जो है आप लोगों को काफी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट कैन फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिसेंट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड अ ब्रीफ नरेटिव ऑन देयर प्रोफेशनल आइडियोलॉजी थ्रो द लिंक ऑन और बिफोर 30/10/2023। 30 अक्टूबर तक जो है आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, हिंदी मीडियम भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, CBSE बोर्ड है, तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में ही आपको पढ़ाना होगा। कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर सेवी एंड हैव नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट एजुकेशनल पेडागोजीज एज पर NEP 2023। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जिनको ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे केवल उनको ही जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सैलरी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बेस पर। द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है आप लोगों का जब यहाँ पर आप लोगों को कॉल आ जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा, सारे जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों के चेक होंगे, इंटरव्यू होगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सभी जो है बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ऑफिशियली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक ना करें। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि एक भी चीज़ आप मिस कर देते हैं उसके बाद कमेंट में पूछते हैं, वो चीज़ वीडियो में बताई जाती है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल, बिरला नॉलेज सिटी, रांची, पुरुलिया, हाईवे विलेज, आरा पोस्ट, माहिलोंग, रांची, ये कहाँ है, झारखंड में। तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो झारखंड रहने वाली है, रांची रहने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।